नीट आणि यूजीसी नेट या दोन्ही परीक्षेतील घोटाळ्यांचे नवनवे किस्से आता समोर येऊ लागलेत। या परीक्षेमध्ये कुठलाही घोटाळा झालेला नाही असं सुरुवातीला छातीठोकपणे सांगणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांची भाषा देखील आता हळूहळू बदलू लागली आहे। लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ करणाऱ्या या परीक्षेतील घोळाची चौकशी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय। गेल्या काही तासात या प्रकरणामध्ये नेमकं काय घडलंय याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट। नीट परीक्षेतील घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी, केंद्र सरकारकडून उच्चस्तरीय समितीची घोषणा, परीक्षेत घोटाळा झाल्याचं शिक्षण मंत्र्यांकडून मान्य, नीट परीक्षा प्रक्रियेत कुठलाही भ्रष्टाचार झालेला नाही असं सुरुवातीला छातीठोकपणे सांगणाऱ्या केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आता मात्र परीक्षा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचं मान्य केलंय। नीट यूजी आणि यूजीसी नेट या दोन्ही परीक्षेत घोळ झाल्याचं प्रधान यांनी मान्य केलंय। नीट परीक्षेबाबत काही केंद्रांवरती घोळ झाला तर यूजीसी नेट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका थेट डार्कनेट वरती लीक झाल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली आहे। स्पष्ट होंगे की डार्कनेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है। तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान शिविर इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आया था, ये क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्काल निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है उसको स्थगित किया जाए, और जल्दी हमने उसी में भी कहा कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट के सवाल है, नीट में मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ विनम्रता से कहना चाहूंगा जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जिसे मैंने कहा, मेरे प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है, एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंडअप कर पाया है, कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे, उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं। नीट यूजी आणि यूजीसी नेट या दोन्ही परीक्षेतील घोळांची चौकशी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे। या समितीत कोणाचा समावेश असेल याचं उत्तर सध्या सरकारने दिलं नसलं तरी सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा त्यात समावेश असणार याचा सूतोवाच केलाय। This question link is a institutional failure from NTA. That's why we are assuring you there will be a reform committee, action will be taken, responsibility will be taken. नीट परीक्षेतील गोंधळावरून देशात जोरदार राजकारण रंगलंय। देशातील शैक्षणिक संस्था जोपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ताब्यात आहेत तोपर्यंत असे प्रकार होतच राहतील अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केली आहे। तर नीट परीक्षेतील पारदर्शकतेवरून आदित्य ठाकरेंनीही सवाल उपस्थित केले। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र सीईटी के बारे में, ये महाराष्ट्र सीईटी की जो हम मांग कर रहे हैं वो स्वच्छ है, स्पष्ट है। हम री एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जो मार्क्स मिले हैं विद्यार्थियों को वो आप बताओ क्या है, कितने मार्क्स है, क्योंकि छुपाने में क्या मतलब रहता है। नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस ने देशभरात चिकलफेक आंदोलन सुरू केलंय। राज्य आणि केंद्र सरकारचा ठिकठिकाणी निषेध केला जातोय, तर नीट परीक्षेतील घोटाळ्याविरोधात NSUI संघटना देखील आक्रमक झाली आहे। जिस तरीके से देश में नीट के पेपर हुए और जब पेपर चल रहे थे तभी ये बता दिया गया था, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि पेपर लीक हुआ है, परंतु NTA ने कहा कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है, परंतु जब रिजल्ट आए तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि पेपर लीक हुआ था। और जो रिजल्ट 14 या 16 जून को आना था उसको 4 जून को क्यों लाया, ताकि पूरे देश की जनता चुनाव में व्यस्त रहे कि क्या होने वाला है और NTA अपना ये जो पेपर लीक का घोटाला है उसको छुपा ले। केंद्र सरकार को झाड़ा और जिस तरह से उन लोगों ने नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम केंद्र सरकार कर रही है उसके बारे में कल राहुल जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से देश की जनता को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेंगी और देश के लोगों को न्याय देंगी। और इसलिए महाराष्ट्र में नीट का भी जो पेपर लीक जो हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। नीट परीक्षेत विद्यार्थ्यांना दिलेले ग्रेस मार्क्स कमी करून नव्या गुणपत्रिका देणार असल्याची माहिती सरकारने पहिल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती। शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला नोटीस जारी केली आहे। शिवाय 8 जुलैला पुढील सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयात या प्रश्नी सुरू असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी स्थगित करण्याचेही आदेश दिले। देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे डोळे आता 8 जुलैच्या सुनावणीकडे लागले। अमोल जोशी सह ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।